इस बार 5 लाख से अधिक मतों से माननीय सांसद संजय सेठ जी को रांची का प्रतिनिधित्व करने का फिर से हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है और वह पूरा होगा। पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं है, किसी का तेल हमने नहीं भरा है, सब अपने मन से अपने स्वेच्छा से अपना दुकानदारी बंद करके पहुंच रहे इस नामांकन में। ये जो भीड़ दिख रहा है ये वोटिंग के दिन भी यही नजारा रहेगा? वोटिंग में इससे अधिक भीड़ होगा, ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी झांकी है, मेन पिक्चर अभी बाकी है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। अब की बार 400 पार। रांची से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के जो कैंडिडेट है संजय सेठ, आज उनका नामांकन है, आज 2 मई है। आप देखिए कि नामांकन से पहले रांची का क्या नज़ारा है। इस वक्त मैं हरमू में हूँ और हरमू का एक बार नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है, जो आप देखिएगा जिस वाहन में संजय सेठ सवार होकर के जाएंगे वो वाहन जो है वो बिल्कुल सजा दिया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए हैं। कार्यकर्ताओं से समझेंगे कि भैया क्या उत्साह है और आज नामांकन से कितना फर्क पड़ने वाला है। लग रहा है आज जो उत्साह है, या फिर कहें आज नामांकन होने जा रहा है, जिस दूसरी बार जो है फिर से एक बार जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया है और आज वो दिन है जो फिर से एक बार जो है वो नामांकन करेंगे और आने वाले 5 साल के लिए जो है वो फिर से एक बार तैयारी में जुट जाएंगे। पहले ये बताइए उत्साह कैसा है? आज रांची के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर के नामांकन करने जाएंगे। मोराबादी मैदान में ही आपको जीत का आगाज दिखाई देगा और वह भीड़ इतनी अधिक होगी कि पूरे रांची लोकसभा क्षेत्र के लोग यह मान लेंगे, खास करके विपक्ष दलों मान लेंगे कि संजय सेठ जी सांसद हैं और सांसद रहेंगे। और पिछला बार उन्होंने 3 लाख मतों के अंतर से अपना जीत हासिल किया था और हम सब ने इस बार 5 लाख से अधिक मतों से माननीय सांसद संजय सेठ जी को रांची का प्रतिनिधित्व करने का फिर से हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है और वह पूरा होगा। और यह आप देख रहे होंगे कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कितनी बड़ी काफिले में यहाँ पर पधार रहे हैं और यह भीड़ जो आप अभी हरमू चौक में देख रहे हैं युवा एक निमित्त मात्र है, एक थोड़ी सी भीड़ है। ज़्यादातर भीड़ जो है वो मोराबादी मैदान में पहुँच चुका है या पहुँचने वाले हैं और आज का उत्साह निश्चित रूप से बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई देगा। पूरा शहर आज जाम हो जाएगा, युवाओं से भर जाएगा। 50,000 से अधिक लोग माननीय सांसद संजय सेठ जी के नामांकन में पहुंचने वाले हैं। कई और लोग हैं, युवा की बात हो रही है, युवा हमारे साथ हैं। कितना जोश आज लग रहा है, कितना उत्साहित महसूस कर रहे हैं आज आपके जो नेता हैं और आप युवा हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है जहन में आपके? हम लोग बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं। संजय भैया हम लोग 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं लागू किया गया है, स्किल डेवलपमेंट ये सब लाया गया है। क्या कहिएगा दादा, आज जो है पूरा जोश में दिख रहे हैं आप लोग, झंडा उंडा लिए हैं। बहुत है, युवाओं के दिल में संजय भैया बस चुके हैं। अच्छा। और खास करके रांची के जो संसद है वो संजय भैया से दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाप रे बाप। देखिए और भी लोग हैं, दादा क्या कहिएगा, कहाँ से हैं पहले ही बताइए आप? मैं तो रांची से ही हूँ। अच्छा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यह सिर्फ एक छोटी सी टुकड़ी है, अभी पूरा जन सैलाब आना बाकी है। और सिर्फ युवा ही नहीं, हर वर्ग, व्यापारी वर्ग ने भी आज ठाना है कि 2 घंटों के लिए अपना दुकान बंद रखेंगे और नामांकन में शामिल हो गए। और यह कोई पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं है, किसी का तेल हमने नहीं भरा है, सब अपने मन से अपने स्वेच्छा से अपना दुकानदारी बंद करके पहुंच रहे इस नामांकन में। क्या ये जो भीड़ दिख रहा है ये वोटिंग के दिन भी यही नजारा रहेगा? वोटिंग में इससे अधिक भीड़ होगा, ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी झांकी है, मेन पिक्चर अभी बाकी है। ये अभी झांकी, एक बार बताइए कि आप लोग जो है संजय सेठ के नामांकन में आए? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। संजय सेठ जिंदाबाद। संजय सेठ। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
the followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.